जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बुराड़ी के वार्ड नंबर 6 से भाजपा नेता देवेंद्र कुमार सैन ने ठोकी दावेदारी, बैठक बुलाकर जनता से मांगा समर्थन। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई निगम चुनाव की आरक्षित सीटों की सूची के बाद टिकट के सभी दावेदार सक्रिय हो गए और जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने में लग गए हैं, जिसके लिए जगह जगह जनसभाओं और बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 6 से दावेदारी कर रहे भाजपा नेता देवेंद्र कुमार सैन ने एक बैठक बुलाई, जिसमें समाज के तमाम लोग मौजूद रहे और सभी ने देवेंद्र कुमार सैन को अपना भरपूर समर्थन देने की बात कही। इस दौरान देवेंद्र कुमार सैन ने जीत का दावा भी किया। हमारे वार्ड नंबर 6 कादीपुर से जनरल सीट हो चुकी है, तो उस जनरल सीट पे हम फाइट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने समाज को बुला के इनसे आशीर्वाद की गुजारिश की है और आशीर्वाद के लिए आग्रह किया है, तो पूरे समाज ने हमको आशीर्वाद भी दिया है और सब ने ये भी कहा है कि आप इलेक्शन लड़िए और ज़ोर शोर से अपनी टिकट मांगिए। अच्छा, आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको टिकट मिलती है जी और आप इलेक्शन जीतते हैं, तो आपके ऐसे दो काम को सबसे पहले कौन से जो आप अपने इलाके में करना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ जो है ना, काफ़ी सफाई का कार्यक्रम काम बिल्कुल नहीं होता, जो एमसीडी के अंतर्गत आता है। और एमसीडी स्कूल जो है, हम हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं शिक्षा के लिए, यहाँ से बच्चे जाते हैं काफ़ी दूर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर एमसीडी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि कादीपुर में ही आसपास में ही एक स्कूल की व्यवस्था करवाएंगे। दिल्ली में निगम का चुनाव आने वाला है अप्रैल में, तो उसके लिए सैन समाज के लोग भी, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी टिकट मिले। तो देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, तो हमारा मानना था कि भाई देवेंद्र जी को भी यहाँ बीजेपी जो है चुनाव में टिकट दे, क्योंकि यहाँ की जो RW आदि जितने भी सामाजिक संगठन है, देवेंद्र जी उसमें लगातार काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे समाज को भी दिल्ली में प्रतिनिधि मिलेगा और हम सब लोग बाकी जो बीजेपी की जगह होगी वहाँ हम लोग फिर चाहेंगे कि भाई उनकी वहाँ मदद की जाए। तो समाज की तरफ से कितना आश्वासन मिलेगा? समाज पूरी तरह से देवेंद्र जी के साथ है, अगर इनको बीजेपी टिकट देती है तो समाज पूरी तरह से, पूरी दिल्ली का समाज इनके साथ जुड़ गया। निर्दलीय के लिए ये एक बात तय हुई है, क्योंकि पार्टियां टिकट नहीं देती हैं, तो अगर टिकट नहीं देती है तो आदमी क्या करेगा? आदमी को चुनाव तो लड़ना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर इन्हें चुनाव लड़ना होगा तो मेरी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी, मैं उससे भी कोशिश कर सकता हूँ। और ये फिर चाहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट लड़ें, तो उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, उस तरह की लड़ेंगे तो भी समाज इनका साथ देगा और साथ हर तरह से देगा, तन मन धन से देगा साथ। ये इलेक्शन के लिए जो है, आगे जो MCD इलेक्शन आ रहा है उसी की तैयारी के लिए जो है ये प्रोग्राम चल रहा है, और हम अपने सैन समाज की तरफ से देवेंद्र भाई को जो है टिकट की मांग कर रहे हैं, और उसी उपलक्ष्य में आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि कम से कम दिल्ली में जो है हमारा आवागत तो जो है बीजेपी तक, कार्यालय के लिए बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आगे टिकट की मांग के लिए ही हम लोग जुटे हुए हैं।